नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दीपों का उत्सव दीपावली, और मैं हूं आपके साथ पलक जैन। दीपावली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों दीप यानी दिया और आवली यानी श्रृंखला के मिश्रण से हुई है। तो आज हम इस खास पेशकश में आपको दीपावली के अर्थ और इसके पीछे की पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की। हिंदू धर्म में दीपावली के त्यौहार का विशेष महत्व है। देश भर में दीपावली का उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में ढेरों दीप जलाकर हर जगह को रोशन किया जाता है। तो आइए जानते हैं क्या होता है दीपावली का मतलब। प्रकाश का पर्व दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भारतवर्ष में जितने भी पर्व हैं उनमें दीपावली सबसे ज्यादा लोकप्रिय और जन जन के मन में हर्षोल्लास पैदा करने वाला पर्व है। एक वैदिक प्रार्थना है तमसो मां ज्योतिर्मा, जिसका अर्थ अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला पर्व दीपावली है। दीपावली से कई दिन पहले लोग दुकानों और घरों की साफ सफाई करते हैं। दीपोत्सव का ये पर्व पूरे 5 दिन तक मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज के दिन समाप्त हो जाती है। 5 दिन तक चलने वाला ये पर्व इस बार 29 अक्टूबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी, कुबेर देवता और धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। इसके ठीक अगले दिन छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। छोटी दिवाली के बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। वहीं अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और 5वें दिन भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भारतवर्ष में दीपावली का क्या महत्व है और इस दिन खास तौर पर दीप क्यों जलाए जाते हैं, क्या खास तैयारियां की जाती हैं, आइए बताते हैं आपको। भारतवर्ष में दीपावली का बहुत महत्व है। इस दिन लोग अपने घरों को साफ कर उन्हें उत्सव के लिए सजाते हैं। दीपावली भारत में सबसे बड़े शॉपिंग सीजन में से एक है। इस दौरान लोग कारें और सोने के गहने, महंगी वस्तुएं और अपने परिवारों के लिए कपड़े, उपहार उपकरण, रसोई के बर्तन खरीदते हैं। लोग अपने परिवार के सदस्य और दोस्तों को उपहार स्वरूप आमतौर पर मिठाइयाँ और सूखे मेवे देते हैं। इस दिन बच्चे अपने माता पिता और बड़ों से अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई के बारे में प्राचीन कहानियों कथाओं के बारे में सुनते हैं। इस दौरान लड़कियां और महिलाएं खरीदारी के लिए जाती हैं और फर्श, दरवाजे के पास और रास्तों पर रंगोली बनाती हैं। इसके अलावा धन और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। दीपावली की रात को आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। बाद में परिवार के सदस्य और आमंत्रित मित्रगण भोजन और मिठाइयों के साथ रात को दीपावली मनाते हैं। आप सभी दीपावली के दिन पटाखे जलाते हैं और दीपों से इलाके को रोशन करते हैं। हिंदू धर्म में दीपावली से जुड़ी बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। क्यों हम दीपावली का पर्व मनाते हैं और इसके पीछे क्या मान्यता है, चलिए बताते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दीपावली के दिन पूरे विधि विधान से लक्ष्मी गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। दीपावली के दिन सरस्वती माता, भगवान कुबेर और धन्वंतरी देवता की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक त्रेता युग में भगवान श्री राम लंकापति रावण का वध करने के बाद इस दिन माता सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौट कर आए थे। प्रभु राम के अयोध्या वापस आने की खुशी और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने पूरे राज्य को दीयों की रोशनी से जगमगा दिया था। हर नगर हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दीपावली का ये पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। बता दें कि प्रभु राम पूरे 14 वर्ष के वनवास के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या लौटे थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली और सुंदर चीजों से सजाते हैं। दीपावली को हिंदुओं के साथ साथ सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। एक तरफ जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। दीपावली से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं मशहूर हैं। एक तरफ जहां भगवान श्री राम और माता सीता के वनवास सिधारने की कथा है, तो वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण, पांडव और माँ लक्ष्मी के अवतार की भी कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से कुछ के बारे में चलिए बताते हैं आपको। दीपावली से जुड़ी एक पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों से वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई थी। दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। याद दिला दे कि पांडवों को भी वनवास छोड़ना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया था।
और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई थी। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है कि समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी ने सृष्टि में अवतार लिया था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करते हैं। ये भी दिवाली मनाने का एक मुख्य कारण है। एक और कथा के मुताबिक माता पार्वती ने राक्षस का वध करने के लिए जब महाकाली का रूप धारण किया, उसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। तब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ था। इसी की याद में उन्हें शांत रूप की लक्ष्मी का पूजन भी किया जाता है। इसी रात उनके रौद्र रूप काली की पूजा का विधान है। ये तो सभी जानते हैं कि लक्ष्मी जी विष्णु जी की प्राण वल्लभ और प्रियतमा मानी जाती हैं। अगर धन की देवी को प्रसन्न करना है तो उनके पति विष्णु जी का उनके साथ पूजन करना आवश्यक माना जाता है। वेदों के मुताबिक विष्णु जी प्रत्येक अवतार में माँ लक्ष्मी को ही उनकी पत्नी का स्थान मिला है। लेकिन फिर भी दीपावली के दिन भगवान विष्णु के साथ नहीं बल्कि गणेश के साथ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कभी सोचा है आपने क्यों होता है ऐसा? चलिए बताते हैं आपको। शास्त्रों में यह मान्यता है कि लक्ष्मी जी विष्णु जी को कभी नहीं छोड़ती। जहाँ विष्णु जी हैं वहीं उनकी पत्नी लक्ष्मी जी का वास होता है। लेकिन फिर भी आज भगवान विष्णु के साथ नहीं बल्कि गणेश जी के साथ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र माना गया है। गणपति बप्पा माता पार्वती और भोलेनाथ के पुत्र हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि गणेश जी माँ लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं। पुरानी कथाओं के मुताबिक एक बार ऐसा हुआ था कि लक्ष्मी जी को स्वयं पर बहुत ज्यादा अभिमान हो गया था। ये अभिमान उन्हें इसलिए हुआ था क्योंकि हर कोई उन्हें पाने के लिए ललायत था और सारा जगत उनकी पूजा करता था, जिससे उन्हें खुद पर अभिमान हो गया था। उनके अभिमान को विष्णु जी ने भांप लिया। ऐसे में श्री हरि ने माँ लक्ष्मी का घमंड तोड़ने का विचार किया। इसी उद्देश्य से उन्होंने कहा कि भले ही सारा संसार माँ लक्ष्मी की पूजा करता है लेकिन फिर भी उन्हें बहुत कमी है, वो अभी तक अपूर्ण है। ये सुन माँ लक्ष्मी ने अपनी ये कमी जाननी चाहिए। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि जब तक कोई स्त्री माँ नहीं बनती तब तक वो पूर्ण नहीं होती, ऐसे में वो अपूर्ण है। ये जानकर माँ लक्ष्मी अत्यंत व्याकुल हो गई और उन्हें बेहद दुख हुआ। ऐसे में उन्होंने अपनी सखी माता पार्वती से बात की। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि उनके दो पुत्रों में से गणेश को उन्हें गोद दे दे। माता पार्वती ने उनका दुख दूर करने के लिए ये बात मान ली। बस तभी से गणेश जी माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र माने जाने लगे। जब माँ लक्ष्मी को गणेश जी पुत्र के रूप में प्राप्त हुए तो वे अति प्रसन्न हो गयी। माँ लक्ष्मी ने गणेश जी को ये वरदान दिया कि जो भी उनकी पूजा करेगा लेकिन गणेश की पूजा नहीं करेगा तो मैं उनके पास नहीं रहूंगी। यही कारण है कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ हमेशा उनके दत्तक पुत्र गणेश जी की पूजा का भी विधान है। दीपावली की रात सिद्धियों की रात होती है। ये सिद्धियां प्राप्त करना आम जन के लिए कठिन होता है। ऐसे में दीपावली के अवसर पर उपाय कर आम लोग भी अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिए हम आपको कुछ सरल उपाय बताते हैं। दीपावली के पूजन के दौरान पूरे घर में दक्षिणवर्ती शंख से गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। इससे नारायण का वास बना रहेगा। जहाँ नारायण का वास हो वहाँ लक्ष्मी अपने आप विराजमान हो जाती है। पूजन के दौरान माता लक्ष्मी को बेलपत्र कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। कुछ लोग कमल के फूल और बेलपत्र को केवल भगवान शिव के लिए ही उपयुक्त मानते हैं, जबकि बेलपत्र और कमल के फूल की माला माँ लक्ष्मी को अर्पित करने से वैभव की प्राप्ति होती है। दीपावली पूजन में सोने के आभूषण या सिक्के का अधिक महत्व है। इसे पूजा स्थल पर रखकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से घर धन धान्य से भरा रहेगा। सोने के अभाव में चांदी का उपयोग भी कर सकते हैं। दीपावली के दिन वस्तुओं को लांघना अशुभ माना जाता है, इसमें सावधानी बरतें। चौक चौराहों को देखकर ही पार करना चाहिए। दीपावली का मुहूर्त एक दुर्लभ और प्रभावशाली मुहूर्त होता है, इसलिए हर व्यक्ति को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो हमारी इस खास पेशकश में हमने आपको दीपावली का महत्व, उससे जुड़ी मान्यताएं, पौराणिक कथाएं, लक्ष्मी गणेश का पूजन और माँ लक्ष्मी को खुश करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में बताया। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी खास पेशकश पसंद आई होगी। दीपावली के लिए आपको ढेर सारी बधाई। कुछ दिनों में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का रखिए ख्याल। हैप्पी दिवाली।